दिल्ली से प्रणय उपाध्याय की खबर। सरहद पर पाकिस्तान और चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच मोदी सरकार ने सीमित युद्ध की तैयारी कर दी है। इसके तहत एक बड़े बदलाव के तहत सेना के वाइस चीफ के वित्तीय अधिकारों को बढ़ाते हुए सीधे 40,000 करोड़ के हथियार और गोला बारूद खरीदने की छूट दे दी गई है। रक्षा मंत्री और कैबिनेट की मंजूरी के बिना भी जरूरत पड़ने पर सेना मुख्यालय कभी भी 40 दिन की लड़ाई के लिए 40,000 करोड़ के हथियार और गोला बारूद खरीद सके। रक्षा सूत्रों के मुताबिक सितंबर 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से अब तक सेना करीब 12,000 करोड़ का महत्वपूर्ण हथियार और गोला बारूद खरीद चुकी है। यानी कि एक बार फिर से कम 40 दिन की लड़ाई के लिए जरूरी हथियार और गोला बारूद की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।